हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं झूठी की दुनिया के ऊपर, गप्पबाजी यानी कि गप्पी की दुनिया के ऊपर। तो निधि की बात किया जा रहा है, कल के हमने उसकी वीडियो देखी कि कुछ लोगों ने फोन करके जलन निकाली और उसके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो सबसे पहले हम आपको बताएं, इसने कहानी बताई कि मुझे गार्ड का फोन आया था, मैं अननोन नंबर नहीं उठाती हूँ। तो सबसे पहले इसी झूठ को हम पर्दाफाश करते हैं, अननोन नंबर नहीं उठाती है। तो ये जो इसके पार्सल आते हैं, ये जो सब्सक्राइबर सर भेजते थे, पार्सल वाले का फोन आता था वो कैसे उठाती है, ये जो जोमेटो से खाना मंगा मंगा के खाती तो उसका फोन ये कैसे उठाती है, तो क्या सारे नंबर सेव होते हैं? हमारे पास तो नहीं सेव होते, मंगाते हम लोग भी है। हम ये नहीं कहते कि कोई मंगाता नहीं है, पार्सल हमारे भी आते हैं, जोमेटो हमारा भी होता है, वो होता है, लेकिन हम कहानी नहीं बतियाते बैठ के बेफालतू की। तो अननोन नंबर नहीं उठाते, ये बात को हमने आपको प्रूफ कर दिया। चलिए दूसरी बात कि गार्ड ने बताया इनको, इन्होंने बहुत बार फोन करने के बाद उठाया तो गार्ड ने इनको ये बताया कि कोई आपका एड्रेस पूछ रहा था, आपके घर जाना चाह रहा था, हमने मना कर दिया और जो है उसके पास आपको फोन, हमने कहा फोन करके बात करा दीजिए, उसके पास आपका फोन नंबर नहीं था। सबसे पहली बात है, बिना फोन नंबर के तेरे घर कोई ठुकने नहीं जाएगा। अच्छा, बिना फोन नंबर क्या, नंबर के साथ भी तेरे घर ऐसे कोई तेरे से मिलने क्या ठुकने भी नहीं जाएगा। कि नवरात किसी को अपना खराब नहीं करना है, जो तेरे घर जाके तेरी शक्ल देखे या तेरे घर जाके किसी कोई एक गिलास पानी पिए। फिर इसने कहानी बताई कि जब मैंने ये बात किरण से कही, क्योंकि किरण से इनसे फिर से दोस्ती हो गई है, किरण ने जितने ड्रामे मचाने थे रोधों के उसने इस मचाए, वो समझ गई कि मेरे चैनल का प्रमोशन तो यही होना है। और वैसे तो वो किरण को पैसे की कोई कमी नहीं है, वैसे तो उसको चैनल चलाना नहीं है, वो तो एक्टर है, एक्टर एक्टिंग करती है, तो उसकी एक्टिंग भी लाजवाब ही होती है, आप लोग समझ जाइए। तो उस किरण के पास की बच्चा तेरे से खा लेता है, बच्चा माँ से नहीं खाता है, पड़ोसी के हाथ से बच्चा खाता है, सबसे बड़ी मतलब बेशर्मी की बात यही है, हमारा बच्चा हमारे हाथ से खाएगा, हमारा बच्चे को नहीं खाना होगा तो वो हमारे हाथ से क्या, किसी के हाथ से भी नहीं खाना खाएगा जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी या उसको भूख नहीं लगेगी। भूख लगेगी तो वो माँ को ही मतलब खाना मांगेगा और किसी से नहीं। तो बात यह है ना कि हम लोगों ने बच्चों की आदत डाल रखी है ना कि हमारे घर से बाहर का कोई भी खाने के लिए पूछे तो नहीं खाना है, इसने नहीं डाली है। तो ये गई थी किरण से कि कुछ खिला देने के लिए, कहने के लिए। तो किरण ने से जब इन्होंने ये बात छेड़ी कि कोई आया था, ऐसा था वैसा था, तो किरण ने नई कहानी बताई कि मेरे पास तो गार्ड ने ये बताया कि पुलिस की वैन आई थी, पीसीआर वैन आई थी और वो तेरे लिए पूछ रही थी कि वहाँ कोई गलत काम होता है, अकेले रहते गलत काम होता है। तो गार्ड ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम आपको ये बता दें कि अगर गार्ड इसको बहुत अच्छे से जानता होगा तो वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मतलब अच्छे से जानते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। दूसरी चीज, फिर किरण ने यह बताया कि गार्ड ने फिर पीसीआर वैन को वापस कर दिया, यहाँ कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, और अंदर नहीं आने दिया, वापस कर दिया। क्या आप लोग को लगता है कि हमारी इंडियन पुलिस जो है या हरियाणा पुलिस इतनी कमजोर है कि उसको एक सिक्योरिटी गार्ड भगा देगा, गेट से अंदर नहीं आने देगा? आज पीसीआर वैन को अंदर आना होगा तो गार्ड क्या, गार्ड के पुरखे आ जाए, बाप तो क्या बात बताए, आ जाए, लेकिन पीसीआर वैन को नहीं रोक सकते आप। हम कहीं कहते हैं आप मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पीसीआर वैन नहीं रोक सकते तो गार्ड की क्या है? इतने बड़ी बड़ी बकलोली करने के लिए ये बैठ जाती है यूट्यूब चैनल पे, कैमरा ऑन किया और मुंह से बकवास निकाली, कहानी बनाई, नहीं कंटेंट मिलता तो इसी तरह की ये वाहियात कहानी बना के आप लोग को सुना देती है और फिर इसका ये दो तीन दिन का एक कंटेंट तैयार हो जाता है। हमें ये नहीं समझ में आता कि इस तरह की चीजें ये बोलती क्यों है। पीसीआर वैन को कोई गार्ड भगा देगा ये समझ से परे है, ये गले से हजम ना होने वाली कहानी है और ये एक नामुमकिन कहानी है कि पीसीआर यानी कि पुलिस को कोई सिक्योरिटी गार्ड भगा दे। हिम्मत नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड गेट खोल के पीछे खड़ा हो जाएगा, पुलिस की वैन अंदर आ जाएगी। इस तो इसकी कहानी से ये सबक मिलता है कि उतनी ही झूठ बोलो जितना लोगों को हजम हो जाए। लेकिन ये तो ठहरी निधि, ये इतना झूठ आपसे कहेगी, इतना झूठ आपसे कहेगी कि आपके गले तो क्या, आपकी जबान उसे अंदर नहीं जा पाएगा इतना। ये YouTube पे ऐसी निधि की दुनिया ऐसी हड्डी हो गई है लोगों के लिए कि ना तो ये उगलते बन रही है ना तो ये निगलते बन रही है। झूठ झूठ झूठ, हर एक कंटेंट झूठ, हर एक बात झूठ, हर एक चीज झूठ। इसकी झूठ की कोई
लिमिट नहीं है, लिमिटलेस मतलब लिमिट से बाहर ये झूठ बोलती है। हम तो ये सोच रहे हैं कि यही है ड्रामेबाज कम थी जो अपनी सहेली लिपस्टिक को भी अपने साथ ला के बैठा दी है हम लोग के सिर पे, कि मैं भी ड्रामा करूंगी तू भी ड्रामा करेगी और दोनों मिलके सब्सक्राइबर्स का सीट काटेंगे। चलिए आप लोग अपना ना सीट कटवाइए, रिपोर्ट करें हर एक वीडियो पे, मिसलीडिंग पे करें, ये ना सोचिए कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लॉन्ग टाइम पे फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत भयंकर पड़ता है और फर्क पड़ा है। व्यूज के हिसाब से आप देख लीजिए, 10-12 हजार बहुत अधिक, 10-12 हजार व्यूज में लाइव में ये टट्टी साफ करके दिखा देती है, व्यूज के चक्कर में तो भले ही ज्यादा आ जाए ड्रामे करके, वरना वैसे आप लोग व्यूज देख ही लीजिए धीरे धीरे ये भी कम होते जाएंगे। एक समय पे 2000-4000 पे पहुंची गई थी, तो रिपोर्ट भी मारते रहे मिसलीडिंग पे और देखना बंद करें, वरना ये इसके क्रिंजियापा जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा आप लोग के सिर दर्द होगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो पे हम फिर से मिलते हैं।